डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त, कैंडल लाइट मार्च के साथ हड़ताल समाप्त, रोज की तरह हो रहा काम। डॉक्टरों ने अपनी प्रोटेक्शन की मांग को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन आंदोलन समाप्त किया। सोमवार को डॉक्टर दिन भर अस्पताल में ही जमे रहे, ज्ञापनों का दौर चलता रहा। वहीं शाम होते ही डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया। शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। डॉक्टर चाहते थे उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए, जिससे वह निश्चित होकर अपने मरीजों का इलाज कर सके। वह चाहते हैं वह अपना काम बेहतर तरीके से करें। जब उनको पूरी तरीके से सुरक्षा मिलेगी, तभी वह अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। डॉक्टरों का एक दिन का सांकेतिक धरना समाप्त हुआ। मंगलवार से वह रोज की तरह अपने काम पर लौट आए। मरीजों ने राहत की सांस ली। हमारी रैली का उद्देश्य ये है कि जो डॉक्टर के प्रति आए दिन मारपीट होती रहती है, सर फोड़े जाते हैं, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए। जैसा कि अभी सबसे बड़ी घटना भी जो देखी गई है कि एक हमारे रेसिडेंस डॉक्टर और इंटर्न डॉक्टर का सर फोड़ करके, इंटर्न डॉक्टर की तो मृत्यु ही कर दी गई, मतलब मार ही दिया गया है, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम जुड़ा इसका पूरा विरोध करते हैं। और उसके विरोध में हुआ क्या है कि हमारे जो नेता हैं वहाँ के पॉलिटिक्स, उन्होंने बिल्कुल इसको बिल्कुल सहयोग नहीं किया, बशर्ते उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर्स के ऊपर ही जो राजमाइश की है, जिसका हम बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें 24 घंटा गनमैन चाहिए, हमें 24 घंटा सेंसिटिव एरियाज में पूरी अपनी सुरक्षा चाहिए, ताकि हम अपने दिमाग अपने खुले मन से पेशेंट की सेवा कर सकें। हमारा पेशेंट से कोई भी विरोध नहीं है कि पेशेंट के लिए हमारा कोई विरोध है, लेकिन हम अपना सर फुड़वाने के लिए नहीं है यहाँ पे। हम अपनी यहाँ पे पूरी मेहनत करके आए हैं इलाज करने के लिए और खुद के लिए भी अपना कुछ करने के लिए, ना कि रैली हमारी निकली है ये यहाँ संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल और श्यामसा मेडिकल कॉलेज के बीच से निकाली है हमने, जो कि हॉस्पिटल चौराहा तक भी पूरी आएगी और शिल्पी प्लाजा तक हम लेके जाएंगे इसको। और यह केवल एक जनता में संदेश फैलाने के लिए, बताने के लिए है कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, ताकि हम आपकी सेवा अपने शुद्ध और शांत दिमाग से कर सकें, अपनी सेवाएं दे सकें, ना कि हमारा कोई विरोध है किसी जनता के लिए कुछ भी। हम अपनी सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं, और साथ में सबसे बड़ी ज़रूरत की जो चीज़ है, जो उसकी मृत्यु हुई है, उसके उसके जो उस जिन्होंने मारा है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्यवाही। बस हमारा यही उद्देश्य है और हम बस यही कहना चाहते हैं।